ओके गाइस, तो बिटसेट के डेट्स फाइनली अनाउंस हो चुके हैं, जो कि आप लोग को अभी तक पता चल ही गया होगा। वो है 3 to 6 अगस्त। और मैं हूँ ऋषभ राज, मैं हूँ बिट्स पिलानी का एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हो सकता हो बिटसेट और पोस्टपोन हो, तो यार तुम लोग अपनी शामत बुला रहे हो। बिकॉज सबसे पहली बात, इन सब चीज़ों को सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। जो डेट्स अनाउंस हुआ है उस हिसाब से प्लानिंग करो और आगे बढ़ो। उसके बाद आई बिन लुकिंग एट द कमेंट्स ऑफ सम पॉपुलर वीडियोज़ जो अभी तक निकले हैं, तो उसमें लोग बता रहे हैं कि एक और एग्ज़ाम है जिसका नाम है TSEAMCET, जो भी मतलब एग्जैक्ट मेरे को उसके बारे में अच्छे से पता नहीं है, बट उसका भी डेट उसी आसपास है, बिटसेट के आसपास। तो मैं बोलूँगा इस बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जो जेई मेन का डेट था वो क्लैश कर रहा था NDA के एग्ज़ाम के डेट के साथ। तो किया क्या था जेई मेन वालों ने ऐसा किया था कि उन्होंने पूछ लिया था जिनका मतलब NDA का एग्ज़ाम है उनको उस दिन वो स्लॉट, मतलब उनको अगले दिन किसी और दिन स्लॉट दे दिया गया था। और बिटसेट में तो और अच्छा है, बिकॉज यू हैव टू टेक योर ओन, मतलब चूज़ योर ओन स्लॉट, तो ये और बेटर है, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसका आई डोंट थिंक कोई टेंशन लेना चाहिए। दूसरा, आई वॉज रीडिंग सम कमेंट्स और बहुत लोग ऐसा र्यूमर फैला रहे थे कि चाहे तो सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा या नहीं, मतलब ऑनलाइन तो नहीं करा दिया जाएगा। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा, तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है। मोस्टली मतलब सेंटर बेस्ड ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो 200%, बट ठीक है, आई डोंट नो, लेट्स सी। और फिर हाँ यार, इस पॉइंट पे आके बहुत लोग पैनिक भी हो जा रहे हैं, बिकॉज वो लोग सोच रहे हैं, उन लोगों ने पहले से इमेजिन करके रखा था कि बिटसेट तो सितंबर में ही होगा, दोनों जेई मेन के बाद ही होगा, बट अगस्त में कर दिया गया बिटसेट को, बट बिटसेट अगस्त में हो रहा है। तो यार ये मतलब बहुत लोग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग है, बिकॉज मैंने भी ऐसा ही सोचा था और मैं लोगों को बोलता भी था कि हो सकता है सितंबर में हो। मेरा एक दोस्त है वो भी प्रिपेयर कर रहा है, वो भी ऐसा ही सोच रहा था। सो यार दैट इज इट। तो मैं इस बारे में यही बोलूँगा कि अब तो डेट अनाउंस हो चुका है, चेंज होने वाला है नहीं। और दूसरी बात, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से जब हम लोग का सितंबर में बिटसेट हुआ और लेट से सब कुछ एडमिशन वगैरह हुई, तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, बिकॉज पूरा रश किया गया हर कुछ, और साथ में टीचर्स को, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो इस वजह से मेरे हिसाब से उन्होंने ये इस चीज़ को कंसिडरेशन में रख के ये डिसाइड किया होगा कि चलो इस बार पहले करते हैं। और फिर यार कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि बिटसेट हमेशा जेई मेन के बाद ही होगा, ऐसा तो उन्होंने अपने ब्रोशर में नहीं लिखा है ये बात, तो आप उनको भी कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, ऐसा पिछले तीन चार साल से हो रहा है, बट आई गेस 5-6 साल पहले ऐसा हुआ था कि बिटसेट जेई मेन से पहले हुआ था, तो ऐसा फिर से होने वाला है, तो यू कांट ब्लेम द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट। ओके, उन्होंने कहीं भी यह बात बोली नहीं है, एंड इन द फ्यूचर आपको ही फ़ायदा होगा अगर जल्दी सेशन शुरू होगा तो, फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस। और हाँ, कुछ लोग पूछ रहे थे कि स्लॉट बुकिंग वगैरह का ऑप्शन रहेगा कि नहीं, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, पिछले बार भी था और इस बार भी होना ही चाहिए स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन, बिकॉज उसी हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि किस डेट में आपको एग्ज़ाम देना है। और यार एट लास्ट दुखी मत हो जाओ कि इतना जल्दी एग्ज़ाम हो गया, हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं वगैरह, जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम्स है वही सबके साथ प्रॉब्लम्स है। अब कुछ लोग उस चीज़ का एकदम बिल्कुल उस चीज़ को एक इशू बना लेंगे कि मेरे साथ, सिर्फ हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम ही क्यों सबसे ज़्यादा अनलक्की है। तो यार तुमको मैं गारंटी देता हूँ, तुम्हारे नंबर भी कम आने वाले हैं, एंड यू विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द कट ऑफ। तो तुम लोग वो हेल्पिंग फैक्टर ना बनो, तुम लोग वो फैक्टर बनो कि दूसरे जब हेल्प कर रहे हैं कट ऑफ गिराने में, तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कुछ ज़्यादा अच्छे नंबर लाओ और बेटर ब्रांच पाओ। सो दैट इज़ अ थिंग, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। और एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे 1 मंथ का तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो मैं ट्राई करूंगा कल या परसों तक ज़रूर ले आऊँ। अभी फिलहाल के लिए इससे काम चला लो। दैट्स इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।